सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जनगणमन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बैकुंठपुर से बड़ी खबर, जहां सांसद ज्योत्सना महंत का बयान, SSCL की नई खदानें खुलने को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। SSCL पूरी तरह से सहयोग नहीं दे रहा। वो विस्थापितों को जो मुआवजा और अन्य चीजें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है और यही बातें दुखी करती है। खदान खोलना गांव वालों की सहमति पर निर्भर करता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बैकुंठपुर से, जहां सांसद ज्योत्सना महंत ने SSCL की नई खदानें खुलने को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं। हम लोग इसके खिलाफ हैं कि हमारे विस्थापित, हमारे जो भूमि पुत्र लोग हैं उनको वो मुआवजा वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिनकी बात कर रही है। तो ये सारी चीज़ों में दुखी करती हैं। SSCL पूरी तरीके से हम लोगों को सहयोग नहीं दे रहा। चलिए, तो सांसद ज्योत्सना महंत का यह बयान और SSCL की नई खदानें खुलने को लेकर उनका यह बयान है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग इसके खिलाफ हैं और इसके लिए उन्होंने वजह बताई कि SSCL पूरी तरह से सहयोग नहीं करता। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी से हमारे साथ केदार गुप्ता जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। केदार गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका FS24 में। नमस्कार। किस तरह से देखते हैं सांसद ज्योत्सना महंत ने जिस तरह से बयान उन्होंने दिया SSCL की नई खदानें खुलने को लेकर, उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं और SSCL पूरी तरह से सहयोग नहीं करता, उनका यह आरोप है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और उस पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि पता नहीं छत्तीसगढ़ को क्यों विकास के द्वार से रोकते हैं और विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। आप देखें कि अभी 6 महीना पहले ही जब कोयले की शॉर्टेज हुई थी और बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा था, तब यही नेता आकाश की तरफ, आसमान की तरफ मुंह करके मोदी जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल को गाली दे रहे थे कि इनकी गलत नीतियों के कारण कोयला आपूर्ति नहीं हो रहा है, कोयला कम हो रहा है, कोयले की खदानों में काम नहीं हो रहा है और इसके कारण बिजली का उत्पादन ठप्प हो गया और छत्तीसगढ़ में अगर बिजली की कटौती हो रही तो उसका कारण केंद्र सरकार और कोयले की कमी है। तो आज ये जब आदरणीय महंत जी इसका विरोध कर रही, तो एक बार अपने मुख्यमंत्री जी से तो पूछ लेती कि कोयला जरूरी है कि नहीं प्रदेश के लिए, देश के लिए, और इससे जो आमदनी होती है उसका 42% हिस्सा राज्य को मिलता है। तो अपने आप को आमदनी से भी दूर करना चाहते हैं, विकास से भी दूर करना चाहते हैं। और सवाल पैदा ये होता है कि जिले में विकास का, भूमिहीन लोगों का और उनकी मदद का, तो MDF फंड से कितने काम SSCL ने करा दिए इसकी जानकारी महन जी को तो होगी, मैं कहना नहीं चाहता, परंतु हर बात का विरोध, हर बात का विरोध। अरे भाई, कोयला नहीं रहेगा तो कहाँ से ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उद्योग कैसे चलेंगे, उद्योग नहीं चलेंगे हमारे बिजली के पावर प्लांट कैसे चलेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी भी है और साथ में सिर्फ एक नेता मोदी विरोधी है। जहां मोदी जी का कोई काम और केंद्रीय मंत्रिमंडल का काम आता है, ये बोरिया बिस्तर लेकर भिड़ जाते हैं। अरे मैं कहता हूं मैडम, अगर ये मोदी जी 2 वैक्सीन नहीं लगाए होते डबल डोज, तो तीसरी लहर में क्या हाल होता, आप लोग तो संभाल नहीं पाते। तो मोदी जी का विरोध नहीं करिए, भाजपा का विरोध करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, भाजपा का विरोध करिए पर विकास से प्रदेश को दूर मत करिए। चलिए, तो विकास से दूर कांग्रेस कर रही है, ये आपका कहना है। हमारे साथ विनय जायसवाल जी कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका FS24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब विनय जी, किस तरह से देखते हैं आप जिस तरह से ज्योत्सना महंत जी का ये बयान है और उन्होंने कहा कि जो नई खदान खुलनी है उसके हम लोग खिलाफ हैं और उनका ये कहना है कि SSCL पूरी तरह से सहयोग नहीं करता है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता थे उनकी मैं बातों को सुन रहा था। देखिए साहब, ये एक ना वैश्विक चिंता का विषय हो गया है। आज जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आया हूँ, मैं पार्टी से ऊपर उठ के बात करना चाहूंगा। ये पूरा का पूरा जो चिमरी एरिया हमारा है, ये लगभग 100 सालों से यहाँ कोयले का दोहन हो रहा है और लगातार जो हमारा जो क्षेत्र है वो ऊर्जा के रूप में पूरे देश में अबाध रूप से जो है ऊर्जा प्रवाहित करने का काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोयला खत्म होने के बाद, माइनिंग हो जाने के बाद, SSCL की जो जिम्मेदारी होती है कि पूरे के पूरे जो वृक्षों को लगा के वहाँ पूरा जमीन की वापसी करें और पूरा का पूरा जो ओपन कास्ट माइनिंग होता है
उसका पूरा समतलीकरण करके जमीन की जो जमीन का जो स्ट्रक्चर बिगड़ता है उसको ठीक करके दे। तो इन सब चीजों में एसईसीएल हमेशा पल्ला झाड़ लेता है। और साहब आज स्थिति 100 साल के बाद ये है कि जो चौथी पांचवी पीढ़ी इस क्षेत्र में रह रही है ये दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, क्योंकि यहाँ तो खेती हो नहीं सकती है। और जो एसईसीएल का जो प्रबंधन है, जो काम उसको करना चाहिए, वो ये अपनी जिम्मेदारी करते नहीं है। जो डीएमएफ फंड की जो बात कर रहे थे, डीएमएफ फंड का किस तरह से काम होता है, सीएसआर का जो फंड होता है उसका किस तरह से काम होता है, आके एक बार ये देख लें, आके देख लें, पूरा डेटा ले लें, इसके बाद फिर ये बात करें कि एसईसीएल ने अपना किस तरह का काम किया है। आज पूरा का पूरा चले तो एसईसीएल की जो जिम्मेदारी होती है वो एसईसीएल उसे पूरा नहीं करती, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी यहां पर होती है। अब हमारे साथ बने रहकर एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं कि सांसद ज्योत्सना महंत ने क्या कुछ कहा है। हम लोग इसके खिलाफ हैं कि हमारे विस्थापित, हमारे जो भूमि पुत्र लोग हैं उनको वो मुआवजा वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिनकी अधिकारी है। तो ये सारी चीज़ों में दुखी करती हैं। एसोसिएशन पूरी तरीके से हम लोगों को सहयोग नहीं दे रहा। हम लोग इसके खिलाफ हैं कि हमारे विस्थापित, हमारे जो भूमि पुत्र लोग हैं उनको वो मुआवजा वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिनकी अधिकारी है। तो ये सारी चीज़ों में दुखी करती हैं। एसोसिएशन पूरी तरीके से हम लोगों को सहयोग नहीं दे रहा। चलिए बहुत शुक्रिया सुशील आनंद जी और केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।